हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कल्पना ब्रेन लाइफस्टाइल। तो मैं नहा के आ चुकी हूँ और अभी बजने वाले हैं एक। फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं 1 बजे मैं नहाई हूँ। वैसे मैं 10:30-11 बजे तक मैं नहा लेती हूँ मोस्टली, बट क्या बताऊँ मैं आपको क्या हो गया। हमारी मतलब थोड़ी सी ना प्रॉब्लम हो चुकी है। मम्मी अभी हॉस्पिटल से आई हैं। हॉस्पिटल क्यों गई थी, क्या करने गई थी, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। पहले एक बार ना थोड़े से कपड़े पहनूँ, बहुत ठंडी लग रही है मेरे को, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। ओके गाइज, तो मैं हो चुकी हूँ फ्रेंड्स रेडी। मतलब रेडी क्या, अलग कपड़े पहन लिए हैं, किचन में जाने के लिए रेडी हो गई हूँ ऑफकोर्स, क्योंकि मैं ना आपको दिखाती हूँ सब्जी बना चुकी हूँ मैं, और अभी रोटी बनाना बाकी है मेरा। मम्मी ये यहाँ पे बूबू और मतलब मेरी सासू माँ बूबू के साथ खेल रही है, क्या खिला रही है उसको, मतलब इस तरह से। और बस चलते हैं, रोटी बनाते हैं और आप लोगों से बातें करते हैं। सब्जी मैं आपको दिखा देती हूँ, सब्जी 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 सब्जी। तो ये है मेरी आलू और मटर की सब्जी, जो बहुत दिनों बाद बनाई है मैंने। और तो यहाँ पे मैं सारे बर्तन निकाल के नीचे रख देती हूँ। आप लोग ना वीडियो में बने रहो, एंड में बताऊंगी क्या है। क्योंकि घर में सिर्फ दो ही लोग हैं, सिर्फ मम्मी और मैं हैं, तो सिर्फ इसलिए खाना सिर्फ दो ही लोगों के लिए बनेगा। सब्जी बन चुकी है, रोटी बनानी है, सिर्फ मैंने बताया कि आपको, और ज्यादा रोटी भी नहीं बनानी, बस थोड़ी सी बनानी है। पर हाँ ये कि भूख के आने से पहले ही बना दूं मैं, नहीं तो वो मुझे बनाने नहीं देगा टाइम से खाना, मतलब बिल्कुल भी। ये दिक्कत हो जाती है मेरे को, जल्दी जल्दी इसलिए करना पड़ता है काम। चलिए बनाते हैं रोटी और आप लोगों से बात करते हैं। पता है खड़े होके खाना बनाना ना अच्छा लगता है, बट पहले मेरे को भी लगता था नीचे बैठे कैसे लोग खाना बना लेते हैं, मैं तो नहीं बना सकती बिल्कुल, ऐसे मुझे ऐसे लगता था। मम्मी के अपने घर पे जब मैं रहती थी ना, तो मुझे लगता था कि ऐसे बना लेते लोग बैठ के, मैं तो नहीं बना सकती। बट सच बताऊं, जब से क्या बोलते मेरी तबीयत भी खराब हुई ना शादी के बाद, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि नीचे बैठ के खाना बनाना ज्यादा इजी है अकॉर्डिंग टू खड़े होके खाना बनाना। क्योंकि खड़े होके ना आपको, अगर आप बीमार हो या किसी भी तरह से जैसे भी हो ना, तो आप नहीं खाना बना सकते हो। और बहुत मतलब टाइम एक होता है, एनर्जी लेवल नहीं होता इतना कि हम खड़े रहे और किचन में खड़े घंटों खड़े होके काम करें। ये इजी है, आप बैठ के अपना सब्जी वब्जी काटो, खाना बनाओ, आटा गूंदो, रोटी सेको, बहुत इजी है। मतलब जो नहीं करता ना उनको लगता है कि नहीं बहुत मुश्किल है नीचे बैठ के खाना बनाना, पर मुझे लगता है जब से मैंने देखा है ना, मतलब अपनी सासू माँ को काम करते हुए नीचे बैठ के, मतलब वो बनाती थी, तो मेरे को लगता है कि हाँ। फिर मैंने भी देखा कि मैं भी बैठ के बनाती हूँ, मुझे भी आराम मिलता है जब भी तबीयत खराब होती है ना, तो क्योंकि ससुराल में तो ये होता है कि आपकी तबीयत खराब हो या कुछ भी हो तो आपको काम करना ही पड़ता है। और ऑफकोर्स मेरी मम्मी जो है मेरी सासू माँ, उनकी एज भी हो चुकी है, तो वो ज्यादा काम नहीं कर पाती है कर। और फिर इसलिए मुझे लगता है कि नहीं मैं सही है, मेरे को भी अच्छा है कि मैं जब प्रेगनेंट थी ना, तो 8 महीने में यहीं पे थी, तो मुझे सही था कि मैं खाना वाना तरीके से अपना बैठ के बना लेती थी। खड़े होके तो मुझे नहीं लगता मैं बना पाती उस टाइम पे, बिल्कुल ही नहीं बना पाती क्योंकि बीमार थी, तो बिल्कुल थी एनर्जी नहीं होती आपके अंदर खाना बनाने की। और आप बोलोगे मैं बीमारी की बातें क्यों कर रही थी सारी, तो मैं आप लोगों को बता दूं बीमार की बातें इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ना मैं लेट, आज मैं बता दूं 1 बजने वाले मुझे रोटी बनाते हुए, तो पापा जो है ना मेरे ससुर जी हैं वो हॉस्पिटल में हैं, और मम्मी 4-5 दिन से लगातार हॉस्पिटल जा रही हैं आ रही हैं, और मैं बूबू के साथ छोटा बच्चे के साथ घर में बैठी हुई हूँ। मेरे को ना मैं अपना काम बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, खाना भी नहीं जल्दी से नहीं बना पा रही हूँ। तो यही होता है कि जिस दिन मम्मी आती है उस दिन बना लेती हूँ, नहीं आती है तो फिर वही जो बना होता है उसी को खा लेती हूँ, या अपनी गर्म करके खा लेती हूँ, ब्रेड व्रेड ऐसे करके खा लेती हूँ मैं खाना 4-5 दिन से। मुझे लगा था मैं वीडियो ना अब रेगुलर डालूंगी अपडेट अपना, पर जब पापा की तबीयत खराब हुई ना एकदम से, रात को हुआ कि उनको हॉस्पिटल जाना है, फिर एकदम सबरा तभी मजी कि अब क्या होगा, तो फिर उसके बाद फिर मन भी नहीं करा यार। पता नहीं कैसे वो लोग ना यूट्यूबर जो होते हैं ना बनाते हैं कि हाँ भैया फैमिली में ये लोग बीमार हैं, ये है वो, उस टाइम पे इतना दिमाग कहाँ होता है, क्योंकि टेंशन हो जाती है कि क्या करना है कैसे करना है। तो मेरे साथ भी वही हुआ कि मैं नहीं बना पाई बिल्कुल ही, मेरे को लग गया मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी करने का। पर आज मम्मी
आ रही है अभी, तो मुझे लगा चलो ठीक है काम करती हूँ फटाफट और आप लोगों से बात भी कर लेती हूँ। और अभी पापा से मेरी बात हुई तो पापा ने बोला कि हाँ सब ठीक है, मतलब उनको हार्ट की प्रॉब्लम है तो उनको थोड़ा सा दर्द हुआ था, इसलिए हमने सोचा कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं आप घर पे मत रहो क्योंकि घर पे सिर्फ हम तीन लोग हैं और अभी अगर रात को कुछ अचानक से हो जाएगा तो कौन ले जाएगा हॉस्पिटल उनको, तो इसलिए उन्होंने रात को ही कैब बुक करके पापा को बोला कि आप जाओ हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ। हमारे रेलवे हॉस्पिटल में ना बहुत मतलब बेनिफिट ये है कि ना आप जब भी जाओ इमरजेंसी में आपको एडमिट कर लेंगे और वो तब तक नहीं छोड़ते जब तक पूरी बॉडी फुल चेक नहीं कर देते हैं। तो पापा की वही फुल बॉडी चेकअप हो रही है वहाँ पे और सही है, अच्छे हैं, आराम से हैं। अब शायद एक दिन बाद ही जब तक मतलब रिपोर्ट सारे नहीं आएंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे उनको, इस वजह से अभी वो वहीं पे हैं। तो बस आप लोगों को यही बताना था गाइज। और बस मेरी रोटी आटा गूंद चुका है और मेरी रोटी बनने वाली, मतलब गूंदा तो नहीं है पूरा अच्छे से गूंद रही हूँ मैं और रोटी सीखनी है जल्दी से क्योंकि मुझे लग रहा है मम्मी आने वाली है, वो बहू की आवाज़ आ रही है नीचे से कि वो रूम में आ चुका है। तो रोटी अरे जाओ तो है दरवाजा खोल बुबू मत करो दादी को मत आने दो ठीक है। और फिर दादी पर जा रही है और अंशु उसको ले लेना, अंशु को ले लेना राधिया। हाँ तो फिर क्या करे बताओ, गई वो दादी गई जहाज जहाज है और वहाँ जाइए ना जहाज खाना लेके के फिर तुम्हारे लिए क्या लेके आऊं खाना अभी? हाँ अरे भैया नहीं है, कल दाल गिरा दिया था इसने रात को उसपे दाल ऊपर डाल के आई हूँ अभी, रात को ही धो दिया था, हल्का धोया था साफ सुथरा। तो मैंने ले लिया है खाना और ये खाना आपको दिखाती हूँ ऊपर अभी चल के, पहले मैं दरवाजा बंद कर दूँ नहीं तो हमारे घर में बिल्ली आती है, यहाँ पे किचन में बिल्ली आ जाएगी। एक मिनट दरवाजा मैंने बंद कर दिया है, अब हम जा रहे हैं ऊपर। ऊपर बूबू है की दादी है और मैंने पानी ले लिया है, अब जा रही हूँ मैं ऊपर ही खाऊंगी आज खाना छत पे एक बजे का समझ लो। ये क्या हो रहा है, सब्जी खाना सब्जी दे दूं खाना खाओगे सब्जी खाओगे हाँ। अच्छा पहले बॉटल पकड़ो बॉटल पकड़ो ये मेरा खाना है, कल्याण हो चुका है खाने का मेरा। दही खा रहे हो, ऐसे खाते दही? तो ओके गाइस खाना खाके और प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखा करो और वीडियो कैसी लगी वो भी बताना। बाय बाय। और ये है मेरा खाना जो मैं बहुत अच्छे से लाई थी तैयार सजा के खाने को और वो ख़राब हो चुका है मेरा खाना, मतलब मम्मी लोगों को खाना ऐसे खाना पड़ता है। बाय बाय।